मुंगेर में गंगा में लगातार जलस्तर की वृद्धि के बाद गंगा खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है। ये जो इलाका है आप देख सकते हैं, ये पूरा इलाका पहले दियारा इलाका होता था, यहाँ खेती होती थी, लेकिन अभी देखिए कि कई किलोमीटर तक केवल और केवल पानी ही नज़र आ रहा है। ये पानी ऐसा नहीं है कि सालों भर रहता था, बाढ़ के समय में आया है। और ये बताइए तो ये पानी हमेशा रहता था यहाँ? नहीं सर, नहीं, ये बाढ़ का प्रभावित से ऐसा हुआ है। बाढ़ के? हाँ सर, पहले यहाँ पर खेती होती थी? खेती है, गेहूँ मकई सब होता है सर, सब कर जाने के बाद पानी आ गया। पानी आ मकई डूब गया सर, कितना भुट्टा फंस गया, कितना हम लोग ऊपर करते करते चलिए रहा है। कितना किलोमीटर तक होता है ये? बहुत दूर तक पानी आया। देखिए ना, यहाँ से गोभी चले जाइए, इधर चले जाइए, मानसी खगड़िया। क्या नाम हुआ? मतलू सिंह। देखिए इनका कहना है कि ये पर इलाका पूरा पहले खेती होता था। क्या इधर पहले खेती होती था यहाँ? हाँ, इधर पूरा खेती होता है, जंडा पूरा नजर भर तक लीजिए। पूरा जंडा गेहूँ पूरा ऐसे करके रहता है पूरा। ये अभी जो पानी है तो ये सब डूब गया, अभी आया है पानी? हाँ, कितना दिन? 5 दिन में डूब गया। यानी देखिए किस तरह बाढ़ की विभीषिका है, गंगा का जलस्तर बढ़ा तो लग रहा है कि पहले पूरा यहाँ गंगा हुआ करता था, लेकिन यहाँ खेती होती थी, यह दियारा इलाका था। तो ये है बाढ़ की विभीषिका, और गंगा फिलहाल खतरे के निशान से लगभग 20 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ रही है। कि जो लोग चल रहे हैं, NDRF की टीम भी है, चूँकि राहत बचाव कार्य भी लगातार जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है, और ये NDRF के जो भरत वर्मा जी हैं और उनके जो 10 सदस्यीय टीम है, ये आज सुबह से ही लगातार राहत बचाव के लिए निकली हुई है। सदर अंचल के जो लोग हैं वो भी इस टीम में यहाँ पर आए हुए हैं, और ये सभी रेस्क्यू कर रहे हैं लोगों को, जानवर को, छोटे छोटे जानवर हैं जो लोग घर में फंसे हुए हैं, उनको नाव पर बिठा करके सुरक्षित स्थान पर ये लोग ले जा रहे हैं। सुबह लगभग 8 बजे ये लोग निकलते हैं और देर शाम तक ये रेस्क्यू चलते रहता है। अब मैं NDRF भरत वर्मा, हम लोग भेलवा गांव जा रहे हैं जी, और भेलवा गांव से कुछ एक दो सिविल बोट भी जा रही है, इसमें हम उनको रिसीव करने के लिए जा रहे हैं और सुरक्षित स्थान पर लाने की कोशिश करेंगे। कितने सदस्य टीम है आपकी? हमारे में 2-12 हैं जी। ये पूरी तरह से निपुण है, अगर कोई डूब रहा हो तो उनको लेकर? हमारे पास डिप ड्राइवर सेट के साथ है, जिसको आप लोग गोताखोर बोलते हैं जी, उनके साथ हम चल रहे हैं। देख सकते हैं जिस तरह से वीडियो में कि NDRF के जवान है गांव में आए हुए हैं, गांव में जानवर को, व्यक्ति को एक नाव में, बड़े नाव में उनको बैठा करके ले करके जा रहे हैं। मुंगेर से ETV भारत के लिए सुनील कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।